सभी भाइयों को नमस्कार, सबका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल साहिल डेयरी फार्म पर। दोस्तों, वीडियोज के माध्यम से अच्छी और उम्दा नस्ल का पशुधन दिखाने का प्रयास, और आज उसी प्रयास को बढ़ाते हुए जो आज की हमारी कवरेज है, मैं बताना चाहूँगा हमारे चैनल के काफ़ी जाने माने चेहरे हैं भाई भीम, और भाई भीम के डेयरी फार्म से आज हम आप सब पशुपालक भाइयों के पास पहली वीडियो मिल्किंग वीडियो की लेके आ रहे हैं। और मिल्किंग वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि अगर हम बात करें रेट वाइज और अगर हम दूध को देखते हुए जो रेट को देखेंगे वो भी काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो भाई भीम के डेयरी फार्म से हम इस जोटी की डिटेल से भाई भीम से ले लें, लेकिन उससे पहले जो भी पशुपालक आपके अपने चैनल पर पहली बार जुड़ा है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। भाई साहब बाल्टी दिखाना एक बार खाली करके। हाँ ठीक है, शुरुआत करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि इन फ्यूचर हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। एक बार आप लोगों को जो चुवाई है वो अगले थनों की ज़रूर दिखाना चाहेंगे। आ जाओ भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार आपको जूम करके दिखाना चाहेंगे, कैमरे को देख के हिचक रही है, ये देख सकते हैं जो अगले थनों की जो चुवाई बिल्कुल सॉफ्ट चुवाई है। और इस जोटे की हम साथ साथ में भाई भीम से डिटेल से भी हम वो पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को एड्रेस है वो ज़रूर बताना चाहूँगा। गांव है नांगल जमालपुर और ज़िला लगता है रेवाड़ी, और हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो भाई भीम से इस जोटे की डिटेल्स पूछना चाहेंगे, कौन से लैक्टेशन में भाई साहब? तीसरे लैक्टेशन में। तो आज कितने दिन की ब्याई हुई है? 14 से 15 दिन की ब्याई हुई है। तो 14 से 15 दिन की ब्याई हुई में जो दूध है वो आप सब पशुपालक भाइयों के सामने जल्द ही आ जाएगा, और वन टाइम हम आप सब पशुपालक भाइयों के साथ जो मिल्किंग वीडियो है वो साझा कर रहे हैं। इस दूध को ना माने, अपने हाथों से आके दो टाइम चुवाई करके देखें, फिर पशुधन को परचेज करके लेके जाएँ। और जो सिंगों की जो क्वालिटी है ये देख सकते हैं, बिल्कुल छोटा सिंग, क्वालिटी जुट्टी में काफ़ी अच्छी है। साथ में क्या भाई साहब इसके? साथ में मेल काफ है, और आज 14 से 15 दिन की ब्याई हुई है। फिलहाल अगाड़ी कितने किलो की निकाल रही भाई ये? ये देख सकते हैं 2 किलो की अगाड़ी है फिलहाल, जुट्टी प्रेजेंट में निकाल रही है। और जो दूध है आप सब पशुपालक साथियों के सामने जल्द ही आ जाएगा। और ये फिलहाल टाइम ऐसा है कि गाँव में घूम के भी ताज़ा ब्याया हुआ पशुधन है वो नहीं मिलता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा घूम के पशुधन सिलेक्शन करके लेके आना और अच्छा नीचे से अच्छा वो तो भी पशुपालक भाई हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तीसरे लैक्टेशन में है और दूध है वो आप सब पशुपालक साथियों के साथ बहुत ही जल्द आप सब पशुपालक साथियों के सामने आ जाएगा। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, और इस गर्मी में जो पशुधन है वो दूध निकालने में काफ़ी कम सक्षम होता है, लेकिन इस गर्मी में अगर कोई पशुधन 14 से 15 लीटर दूध निकालता तो हम सर्दियों का कम से कम 17 से 18 लीटर दूध मान सकते हैं, क्योंकि गर्मी में जो पशुधन अच्छी तरह से खा भी नहीं पाता, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। वही सब हाँ जी, बाकी जो दूध है वो आप सब पशुपालक साथियों के सामने आ भी जाएगा। तो फिलहाल भाई साहब दूध कितना है अब फिलहाल? अच्छा, 16 लीटर दूध से फिलहाल प्रेजेंट में झोटी में प्लस है, वो बता रहे हैं कि 16 लीटर से फिलहाल प्लस दूध है और बिल्कुल सॉफ्ट चुवाई है। बाकी अगर कोई पशुपालक साथी हैं कुछ पूछना भी चाहते हैं तो रेगुलर रूटीन से हमारे स्क्रीन पर भी भाई भीम का कॉन्टैक्ट नंबर है वो चल रहा है, आप इन पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। भाई के डेयरी फार्म से जितने भी कवरेज की है, लगभग हमें भाई के डेयरी फार्म से 14 से 15 लीटर दूध की बैसे हैं वो 95,000, 1,00,000 और 1,10,000 के समथिंग में देखने को मिलती है। तो इस जोटी का हम भाई से जो कि रेट है वो भी पूछना चाहेंगे जैसे ही मिल्किंग ख़त्म होगी। जब साथ में मेल काफ
और तीसरे इलेक्ट्रिशियन में जो स्पेशली जो दूध का काम करते हैं, जो डेयरी फार्मर्स है, उनके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। डाइट में क्या दे रहे हो भाई साहब इसको अभी फिलहाल? हाँ जी, बिंदोड़े की खल तो मैले से लगी भाई साहब? अच्छा, मैले से अभी से लगी नहीं है। ठीक है, बता रहे हैं कि मैले से अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में जोटी है वो लगी नहीं है। जैसे मैले से लगेगी तो हम मान सकते हैं लगभग कम से कम 2 किलो दूध जोटी आराम से और बधाएगी। मैले से लगने के बिल्कुल नज़दीक है। मिल्किंग है वो ख़त्म होने के नज़दीक है और जो दूध निकलेगा वो आप सब पशुपालक साथियों के सामने ही होगा। और जो शांत स्वभाव है, जैसे कि वीडियो शुरुआत हुई थी बिल्कुल वहीं जोटी खड़ी हुई है, किसी प्रकार का एग्रेसिवपन नहीं है। यहाँ पे आपको लगभग 4 से 5 वैसे ताज़ा ब्याई हुई, या फिर हम बात करें तोकड़ क्या बन वैसे भी हैं, आपको ऑल टाइम बिक्री के लिए उपलब्ध है वो देखने को मिलेगी। आप किसी भी टाइम यहाँ पे आके पशुधन है वो देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको हर पशुपालक की बजट के जो कि पशुधन है वो यहाँ पे बिक्री के लिए उपलब्ध देखने को मिलेगा। काफ़ी युवा पशुपालक हैं, पशुओं में जो सिलेक्शन है और भाव का जो कि पशुधन है भाई BMK डेयरी फार्म पर आपको देखने को मिलेगा। मिल्किंग ख़त्म हो चुकी है और फिलहाल आप सब पशुपालक भाइयों को नाप के भी है वो दिखाया जाएगा। ये देख सकते हैं मिल्किंग पूरी हो चुकी है और आपको फिलहाल अभी लेटर से वो नाप के दिखाया जाएगा। मैं फिर से बताना चाहूँगा, इस दूध को ना माने, अपने हाथों से आके 2 टाइम चुवाई करके देखें, तभी आपको जो दूध का मायना लगेगा कि फिलहाल जोटी में दूध है वो कितना है। फिलहाल जो दूध है भाई साहब ने 16 लीटर के समथिंग रेकमेंड किया है, 16 से प्लस बताया, लेकिन 16 किलो भी आप मान सकते हैं। अभी फ़िलहाल आपको पता लग जाएगा कि कितना दूध है। जल्दी कर, लंबी वीडियो हो जाएगी। देख सकते ठीक बनना को एक दो तीन चार पाँच छः और ये 7
आठ और साढ़े आठ, तो कुछ दूध बच्चे के लिए भी छोड़ दिया गया है। और जैसे कि भाई साहब ने जो कि 16 से प्लस दूध वो रेकमेंड किया था, फिलहाल प्रेजेंट में हम मान सकते हैं कि 16 से 17 लीटर दूध के समथिंग जोटी में आराम से है। और जो इसकी कॉस्ट है वो भाई साहब ने रखी है मात्र 1,10,000 रुपये। अगर कोई भी पशुपालक भाई है इसको लेना चाहते हैं तो रेगुलर रूटीन से हमारे स्क्रीन पर भी भाई का कॉन्टैक्ट नंबर हो चल रहा है, आप इन पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं।